और समाचार प्रेस पर भूरा की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीरें हैं। पटियाला से गिरफ्तार हुआ आतंक का पर्याय कुख्यात भूरा। पटियाला में रूटीन चेकिंग के दौरान भूरा की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में यूपी का सबसे खूंखार गैंगस्टर आखिरकार आ ही गया। अमित भूरा पर 12 लाख का इनाम था और 110 दिन से फरार था। सचिन खोकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें आपको कि खूंखार अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार भूरा पुलिस की गिरफ्तारी में आ गया है। पटियाला से उसको गिरफ्तार किया गया था। बता दें आपको कि उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी से फरार भूरा हो गया था। 110 दिन से फरार चल रहा था और उसे लगातार गिरफ्तार करने की जो कोशिशें थी वो चल रही थी। तीन राज्य की पुलिस गिरफ्तार करने में लगी हुई थी, तलाश करने में लगी हुई थी। दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी भूरा को और आखिरकार अब गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार प्रेस पर भूरा की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर भूरा की गिरफ्तारी में समाचार प्रेस के मेगा शो वांटेड की भी अहम भूमिका है। मेगा शो वांटेड में कुख्यात अपराधी भूरा की पूरी कुंडली दिखाई गई थी। उत्तराखंड के डीजीपी बीएस सिद्धू ने भी समाचार प्रेस के मेगा शो वांटेड को बधाई दी। डीजीपी के मुताबिक इस कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता बढ़ने के साथ ही लोगों को सतर्क रहने की नसीहत भी मिलती है। वांटेड प्रोग्राम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिससे कि सबके जो देश के लोग हैं वासी उनको जो इस प्रकार के प्रमुख अपराधी हैं उनके बारे में सूचना प्राप्त होती है और कई बार ऐसी सूचनाएं जो हैं वो बहुत सहयोग कर देती हैं पुलिस का उन लोगों को तलाशने में। और वैसे तो मैं कहूंगा कि इस समय भूरा जो थे वो वांटेड ही नहीं लेकिन मेरा ख्याल देश के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड थे और जितना इनाम उनके ऊपर था मैं समझता हूं कि भारत में बहुत कम ऐसे हमारे फरार अभियुक्त होंगे जिनके ऊपर इतना इनाम होगा। तो मैं समझता हूं कि उसका जो पकड़ा जाना है वो सिर्फ प्रदेश ही नहीं लेकिन पूरे देश के लिए एक राहत का विषय है। उत्तराखंड से फरार मोस्ट वांटेड अमित भूरा आखिरकार पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। भूरा की पंजाब में हुई गिरफ्तारी में जहां पंजाब पुलिस की तारीफ हो रही है तो वहीं उत्तराखंड पुलिस के खुफिया तंत्र की नाकामियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उपाध्याय ने कहा कि आतंक का पर्याय भूरा पकड़ा गया ये अच्छी बात है लेकिन उत्तराखंड पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश सुमन ध्यानी ने कहा कि इस तरह के मामले हैंडल करने के लिए उत्तराखंड की पुलिस को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस को उसमें अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए थी उससे कहीं न कहीं पुलिस की छवि को जो है वो धक्का पहुंचा है और मेरे विचार से उनको अपनी छवि को अपनी कार्यशैली से ठीक करना चाहिए। मैं इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी से भी बातचीत करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो है असर यहाँ की जनता पर और समाज पर पड़ता है और देवभूमि की छवि पर पड़ता है। पूरा साल भर हो गया पुलिस कुछ नहीं कर पाई, अब पंजाब की पुलिस ने उसे पकड़ा है। एक बार मुख्यमंत्री जी को जेल की व्यवस्थाओं में और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आकर के माफियाओं की शरणगा देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर हो गया इस पे विस्तृत विचार करना चाहिए। मुझे तो ये भी लगता है कि हमारी पुलिस की जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में कमी है।